तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यानी कि मुझसे पिछले हफ्ते में जो भी यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का सही सही जवाब देने वाला हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली YT चैनल पर शॉमी की तरफ से जो भी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसकी वीडियो बना के आप सबको सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आप सब सब्सक्राइब का बटन जल्द से जल्द दबा दीजिए और शेयर भी आप इस चैनल को जल्द से जल्द कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं, यानी कि 15 संडे कमेंट बॉक्स को हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे सवाल पहला सवाल जो है वो पूछा गया है, व्हेन विल अपडेट कम। तो मैं आपको बता दूँ, ये सवाल रेडमी 9 पावर के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो रेडमी 9 पावर में अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट जो नवंबर के महीने में आया है 12.0.12.0 का, उसमें हमें अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, और उस अपडेट का साइज हमें केवल 250 MB के आसपास का ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस अपडेट में हमें केवल सिक्योरिटी पैच को ही यहाँ पे दिया गया है। अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच जो हमें अगस्त के महीने से अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच में अपडेटेड कर दिया गया है। तो होपफुली इंडिया में अब MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 के एनहेंस का अपडेट, यानी कि 12.5 के एनहेंस का अपडेट रेडमी 9 पावर के लिए हमें बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी हमारे पास रेडमी 9 पावर के न्यू अपडेट की, यानी कि 12.5 की और एंड्रॉयड 11 की। तो अब यहाँ पे किसी ने कहा है कि रेडमी 8A डुअल में भी तो G25 का प्रोसेसर है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडमी 8A डुअल में हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, वो भी 439 के आसपास का, लेकिन रेडमी 8 सीरीज़ में पूरी की पूरी स्नैपड्रैगन है, लेकिन रेडमी 9A में हमें G25 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। और रेडमी 9A के इसी कम प्रोसेसर की वजह से यहाँ पे एंड्रॉयड 11 को सस्पेंडेड कर दिया गया है, क्योंकि हमें इश्यूज और बग्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे थे, और चाइना में भी एंड्रॉयड 11 रेडमी 9A के लिए स्टेबल में अभी तक नहीं आया है, और होपफुली वो कभी भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि लो एंड डिवाइस में एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट देने में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये बात हो गई रेडमी 8A डुअल में तो G25 है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हम गेस्चर बार को रेडमी 9A में कैसे सेट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए अपने मोबाइल को रूट करना पड़ेगा, और अगर आपने अपना मोबाइल यहाँ पे रूट कर लिया तो आप रेडमी 9A या किसी भी मोबाइल में गेस्चर बार नहीं है, तो फिर आप उस वाली ट्रिक की हेल्प से गेस्चर बार को यहाँ पे बहुत इजीली अनेबल कर सकते हैं। आपको कोई भी एरर और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि रूटेड मेथड भी एक ऑफिशियली मेथड हमें देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन रूट के हेल्प से आपके मोबाइल की वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे रेडमी 9A में गेस्चर बार को रूट की हेल्प से बहुत ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई रेडमी 9A में एंड्रॉयड 10 के गेस्चर बार की। तो अब हमें किसी ने पूछा है कि अगर मैं इंडिया MIUI से ग्लोबल MIUI को फ्लैश करूं तो क्या मुझे ग्लोबल के अपडेट्स वो हमेशा मिलते रहेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आपको इसका एकदम सही सही जवाब देता हूं। अगर आप कस्टम रिकवरी की हेल्प से इंडिया रोम से ग्लोबल रोम को फ्लैश करेंगे तो आपको ग्लोबल के अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन आप ग्लोबल के OTA अपडेट से अपडेट्स नहीं कर सकते हैं। आपको ग्लोबल की लेटेस्ट अपडेट की रिकवरी रोम को डाउनलोड करने के बाद उसको हमेशा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या अपने मोबाइल में आपने जो भी रिकवरी इंस्टॉल की हुई है उस वाली रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा, और आप इस चीज़ को विदाउट वाइप विदाउट फॉर्मेट फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको अपने मोबाइल को अपडेटेड कर रहे हैं। तो अगर आपने ग्लोबल रोम फ्लैश कर ली या अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है तो आप OTA से अपडेट नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा रिकवरी रोम से ही अपडेट करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई इंडिया MIUI से ग्लोबल MIUI के जाने पे ये सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे ध्यान करने पड़ेंगे। तो हमें किसी ने पूछा है कि हम रेडमी 9T में एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार कैसे एनेबल करें। तो मैं आपको बता दूं, रेडमी 9T में एंड्रॉयड 10 में आप एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार रूट की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर रेडमी 9T में एंड्रॉयड 11 और
मी यू आई 12.5 का स्टेबल अपडेट आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि एंड्रॉयड 11 में आपको एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार यहाँ पे 200% देखने के लिए मिल जाएगा रेडमी 90 डिवाइस के लिए, क्योंकि रेडमी 90 एंड्रॉयड 11 के लिए फुल्ली सपोर्टेबल है और उसको चाइना में एंड्रॉयड 11 मी यू आई 12.5 एनहांस देखने के लिए मिल चुका है। तो आपको इंडिया में और ग्लोबल रीजन में भी मिल ही जाएगा एंड्रॉयड 11 विद मी यू आई 12.5 अपडेट, और उसमें आपको एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर किसी ने पूछा है कि क्या हमारे पास यहाँ पे मी यू आई के 12.0.19.0 में गेस्चर बार वापस आया है या फिर नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं रेडमी 9 के 12.0.19.0 के स्टेबल अपडेट में आपको गेस्चर बार नहीं मिलेगा, आपको वो एंड्रॉयड 11 में देखने के लिए मिलेगा अगर रेडमी 9 में एंड्रॉयड 11 का अपडेट आता है तो। और ऐसा आने के 0.0.11% चांसेस देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको रेडमी 9 को यहाँ पे रूट करना पड़ेगा। तो आप रूट की हेल्प से गेस्चर बार को 12.0.19.0 में भी बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे, आपको कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मैं रेडमी 9 में 12.0.19.0 को यूज़ कर रहा था, तो जैसे मैंने चेक फॉर अपडेट पे क्लिक किया तो मेरा अपडेट गायब हो गया। तो आप इस सारे अपडेट को डाउनलोड लिंक से चूज अपडेट पैकेज से बहुत ईजीली फ्लैश कर सकते हैं, आपको कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात हमें रेडमी 9 डिवाइस के लिए देखने के लिए मिल जाती है 12.0.19.0 में, कि आप इसको चूज अपडेट पैकेज से बहुत इजीली फ्लैश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे किसी ने अगला सवाल पूछा है, रेडमी 9 पावर में नीचे नेविगेशन गेस्चर बार हम कैसे ऑन करें। तो मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया है, रेडमी 9 पावर में एंड्रॉयड 10 में आप गेस्चर बार रूट की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड 11 में आपको एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार ऑफिशियली यहां पर देखने के लिए मिल ही जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है रेडमी 9 पावर के लिए। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, अगर आप यहाँ पे रेडमी 9 पावर के यूज़र हैं तो आपको एंड्रॉयड 11 का अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो अब हम किसी ने पूछा है रेडमी 9 पावर में 12.5 कब तक आएगा, तो 12.5 चाइना में आ चुका है, 12.5 के एनहांस का अपडेट आ चुका है, तो इंडिया और ग्लोबल में हमें डायरेक्टली 12.5 एनहांस ही देखने के लिए मिलेगा, आपको 12.5 कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है रेडमी 9 पावर के लिए, रेडमी 9 पावर में हमें 12.5 के एनहांस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 स्टेबल अपडेट यहाँ पे बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा Xiaomi की तरफ से। तो ये बात हो गई हमारे पास यहाँ पे रेडमी 9 पावर के एंड्रॉयड 10 के गेस्चर बार की और 12.5 के अपडेट की, कि हमें रेडमी 9 पावर में 12.5 के एनहांस का अपडेट डायरेक्टली इंडिया में मिलेगा, 12.5 वहाँ पे स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रेडमी 9 पावर को 12.5 देंगे तो 12.5 एनहांस और भी ज़्यादा डिले हो सकता है, तो यहाँ पे 12.5 को स्किप कर दिया गया है रेडमी 9 पावर के लिए। तो अब आपको डायरेक्टली 12.5 एनहांस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है रेडमी 9 पावर में वही सेम क्वेश्चन, 12.5 एंड्रॉयड 11 कब तक आएगा, तो 12.5 को स्किप कर दिया गया है, 12.5 के एनहांस का अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा Xiaomi की तरफ से विद एंड्रॉयड 11, वो भी इंडिया ग्लोबल और जहाँ पर भी रेडमी 9 पावर देखने के लिए मिलता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है अगर आप यहाँ पे रेडमी 9 पावर के यूज़र हैं, तो रेडमी 9 पावर के लिए 12.5 के एनहांस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात देखने के लिए मिल जाती है रेडमी 9 पावर के लिए। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है रेडमी 9 में अरेंज एटम्स एंड रीसेंट्स कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूँ रेडमी 9 में अभी तक एंड्रॉयड 11 नहीं आया है, और अरेंज एटम्स एंड रीसेंट्स एंड्रॉयड 11 में देखने के लिए मिलता है, तो रेडमी 9 में आपको रूट की हेल्प से अभी आप इसी वक्त अरेंज एटम्स एंड रीसेंट्स को बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का 15 संडे कमेंट बॉक्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।